प्रभुषण एक ही बात को अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से कहना। नहीं, मैंने तो पूरी कोशिश किया हो कि मैं अलग अलग बात करूँ अलग अलग तरीके से एक ही चीज को। काफी मतलब अभी तक तो हम थके नहीं है, बट आई थिंक इवनिंग तक थोड़ा थकाने वाला हो जाएगा। बट आई थिंक प्रमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि लोगों को पता चले कि हमारी वेब सीरीज आ रही है और वो देखें, तो मेहनत का फल मीठा होगा। बहुत सारे लोगों को लगा कि मतलब वैसे ही कुछ स्टोरी होगा, वैसे कुछ सीक्वेंस होगा, मगर ट्रेलर टीजर आने के बाद में लोगों को पता चल गया कि मतलब अच्छी स्टोरी है इसमें। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज बोथ आर फैंटास्टिक एक्टर्स, दे आर स्टार्स, वेरी बिग स्टार्स, एंड इट्स नाइस टू बी यू नो कंपेयर्ड विद पीपल यू लुक अप टू, तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, प्लस मेरे फैंस लोग को भी मुझे ध्यान रखना है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए, डूज और डोज नहीं हम बोलते हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बढ़ जाती है कि मतलब ध्यान देना है मुझे ये सारी चीज़ों पे भी अगर मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। मेरे लिए तो ये शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना और प्लस लीड मिलना, तो मेरे लिए थोड़ा डर भी था कि मतलब ये चीज़ पे मैं खड़ा उतर पाऊँ या नहीं अच्छे से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे वर्कशॉप वगैरह कंप्लीट किया और एक फिर एक अंदर से मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ अभी तो। अल्हम्दुलिल्लाह शूट के फर्स्ट डे भी, सेकेंड डे, थर्ड डे तो नर्वसनेस रहती है, और अगर देखा जाए तो शूट के स्टार्ट के एक दो घंटे भी थोड़ी नर्वसनेस रहती है कि मतलब सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने मिल के अपना 100% दिए और सही किया सर। वेल आई वुड से कि ऑफ कोर्स जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि गेटिंग टू प्ले एन एक्शन हीरो बीइंग अ वुमन आई थिंक ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि एक्शन फिल्में जहाँ पे लड़की को एक्चुअली एक सीरियस एक्शन करने का मौका मिल रहा है ये कम बनती हैं। कई बार आप ग्लैमर फैक्टर के लिए होते हो एज अ पार्ट ऑफ एन एक्शन फिल्म, पर मेरा हमेशा से बहुत मन था कि मैं एक ऐसा किरदार प्ले करूं जहां पे मैं अपने मार्शल आर्ट स्किल्स दिखा पाऊं, एंड यस, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्शलिटी नहीं हुई, कहीं ये नहीं हुआ कि अच्छा हुई है, हाँ ठीक है इसको थोड़े बहुत दे दो किक्स या लड़की से फाइट करा दो या ऐसा, नथिंग। आई वॉज ट्रीटेड विद एज मच सीरियसनेस एज आर हीरो, एंड उसकी वजह से मेरे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ताकि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ और मैं डिसअपॉइंट ना करूँ किसी को जिन्होंने मुझ में इतना विश्वास रख के मुझे ये रोल दिया है। तो और रूही का कैरेक्टर भी बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से। थैंक यू, मतलब गेटिंग टू यू नो प्ले अ सीरियस कॉप वाज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट देन जो आप एक नॉर्मल एक ब्रैकेट में आपको डाल दिया जाता है कि अच्छा लो शी इज़ फ्रॉम अ मॉडलिंग बैकग्राउंड तो ये ग्लैमरस रोल के लिए ठीक है, तो दैट वाज रियली अ रिफ्रेशिंग चेंज इन माय लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट है सूट होना, वो चीज़ अगर वो कैरेक्टर अगर आप कर रहे हो वो प्ले कर रहे हो तो वो चीज़ भी अपना एक विजन सेट कर लेना कि मतलब ये चीज़ मेरे पे सूट करे नहीं करे, मगर जहाँ तक की रूही की बात है और जहाँ तक का मैंने जितना भी शूट देखा हूँ, मैं डबिंग के लिए भी गया हूँ, ऑलमोस्ट 7 एपिसोड मैंने भी देखा हूँ, तो जो चीज़ लगना चाहिए, मैंने तो रूही को स्टार्ट में ही बोल दिया था कि हाँ मतलब ये जो कॉप का रोल है तुम पे ये सूट कर रहा है। थैंक यू। मेरे लिए तो ऑलमोस्ट पूरा ही चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि इसमें हम लोग सारी से सारी चीज़ें एक्शन भी करे, एक्टिंग भी करे, सारी चीज़ें थी जो सब मेरे लिए नई थी और मेरे लिए सारी चीज़ें चैलेंजिंग थी, बस यही था कि मेरे को मेरा वर्कशॉप पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे से अपना 100% देना है, तो मैंने किया, अब होप फॉर द बेस्ट। लोगों का रिएक्शन तो बहुत अच्छा आया है मेरे ट्रेलर और टीजर पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब देखते हैं पूरी सीरीज देखने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन आता है। ट्रेलर और टीजर पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ाती है, क्योंकि नर्वस तो हम तब होते हैं जब हम अपना 100% नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग कि और कितना आगे जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हर किसी ने इतना सारा प्यार दिया है, और द बेस्ट पार्ट इज कि वो होता है ना कि लव अस और हेट अस यू कांट इग्नोर अस, सो एज लॉन्ग एज पीपल आर यू नो देख रहे हैं, खूब सारा प्यार आ रहा है, कॉमेंट्स आ रहे हैं, दिस लॉट ऑफ एंगेजमेंट एंड नर्वसनेस टू एन एक्सटेंट इज़ वेरी हेल्दी,
बट मोर देन दैट ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज है इन आवर लाइफ. एंड जैसा कि फैजू ने बोला, हमने हमारा 100% दिया है, हमने हमारा काम पूरी मेहनत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ किया है. एंड आई रियली होप कि ऑडियंस वो देखे, वो मेहनत देखे एंड सबको देखने में बड़ा मजा आए. मैं थोड़ा सा, हाँ, तो आज की सुबह जब मैं उठा तो मुझे मैनेजर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि कैसे भी करके आपको 12 बजे आना है. तो जब ये सुना मैंने 12 बजे आना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं थोड़ा मीडिया बाइट्स देने में नर्वस होता हूँ, मगर यहाँ पे ऐसा अभी वो वाइब नहीं आ रही है मुझे नर्वस होने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है. बस थोड़ा सुबह में उठा था तो मैं नर्वस था कि मतलब क्या बात करूँगा क्या नहीं. सवालों से डर नहीं लगता है मुझे, बस मुझे ये लगता है कि मेरी कोई ऐसी बात जो मेरे बोलने बोलने में निकल जाए और लोगों को पसंद ना आए तो ये अच्छी बात नहीं है. मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक का कोई भी ऐसी बात मेरी लोगों को नहीं अच्छी लगी हो ऐसा. मतलब यू नो, एक कोई आप प्रोजेक्ट करते हो, एक एक्टर की लाइफ में एक पूरी जर्नी होती है. आप प्रोजेक्ट, आप सिलेक्ट होते हो, फिर आप उसकी शूटिंग करते हो और फिर रिलीज, और हर चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अब हम रिलीज पे हैं, सो प्रमोशंस एंड एक आई वुड से एक झटका सा मुझे अचानक फील हुआ. अच्छा, एक्चुअली खत्म हो गया बैंग बैंग, क्योंकि काफी महीनों से हम शूटिंग कर रहे हैं. नहीं, मगर सच बोलूं तो मुझे भी ऐसा मतलब एक फील हुआ कि यार शूट खत्म हो गया, मतलब नहीं होना चाहिए था. थोड़ा थोड़ा करके हम लोग शूट कर रहे थे, मजा आ रही थी जो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब वो अब एक अचानक से एक रियलाइजेशन होता है कि अरे अब खत्म हो गया, अब यू नो आज हम प्रमोशन करेंगे और ये कल परसों में रिलीज हो जाएगा. एंड पता नहीं कैसा रिस्पांस होगा, बट यू नो एक बहुत एक्साइटमेंट, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है. शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मतलब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा एक्शन में. तो अराउंड मैंने एक सीक्वेंस था जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और मेरे लिए बहुत ऐसा था कि मतलब मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे एक 15 फीट की एक दीवार थी जो मुझे रनिंग में जंप करना था और वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था. मगर अराउंड 6 to 7 टेक में वो चीज़ मिली, मतलब मैं 6 से 7 बार ऊपर से कूदा, जो कि मेरी बॉडी 3 दिन तक दुखी है. तो वो सीक्वेंस भी था जो कि एकदम मस्त लग रहा है, स्लोमो से जंप करते हुए रनिंग में मैं नीचे गिर रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा लोगों को.